हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम आज के इस लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल ऑन हाउ टू डिटरमाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विच आर कनेक्टेड थ्रू लैब जॉइंट ये हमारे पास फिगर में दो प्लेट्स गिवन हैं जो लैब जॉइंट के थ्रू कनेक्टेड हैं बाय फोर बोल्ट्स और हमको क्वेश्चन में गिवन है वन थर्ट इन टू एम एम की प्लेट आपकी मतलब वेथ वन थर्टी एम एम और थिकनेस ऑफ ईच प्लेट आपकी ट्वेल्ल एम एम गिवन है और आपको बोल्ट्स गिवन है एम सिक्सटीन के सिक्सटीन यहाँ पे डायमीटर ऑफ बोल्ट होता है और एफ ई फोर वन टेन स्टील की ग्रेड रखी है ब्रैकेट में ई टू फाइव जीरो तो हम करेंगे इसका क्वेश्चन तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं तो स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करनी है टेंजाइल स्ट्रेंथ तो टेंजाइल स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करनी है तो इसके तीन क्राइटेरिया होते हैं आपको तीन वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं पहली होती है आपकी येल्डिंग स्ट्रेंथ दूसरी आती है आपकी रॉपचर स्ट्रेंथ और तीसरी होती है ब्लॉक शीयर स्ट्रेंथ तो इन तीनों में से जो लीस्ट निकल के आएगी वो आपकी कहलाएगी टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट तो आपको ये मैंने पेज नंबर गिवन है आपके आई कोड एट हंड्रेड स्टील के कोड के अंदर ये पेज नंबर ये पेज नंबर पर सारे फार्मूलेज गिवन हैं तो हम एक एक करके सब करते हैं तो फर्स्टली हम निकालेंगे यील्डिंग स्ट्रेंथ के अंदर तो यील्डिंग स्ट्रेंथ के लिए हम आ जाते हैं पेज नंबर थर्टी टू तो टीडीजी का ये फार्मूला गिवन है आप पेज नंबर थर्टी टू खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा ये पेज नंबर थर्टी टू मैंने खोल लिया और यहाँ पे गिवन है डिजाइन स्टैंड टू टू जीडिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन तो सामने आपको ये फार्मूला दिख जाएगा टी डी जी इज इक्वल टू ए जी एफ आई अपॉन गामा एम अब देख लेते हैं ए जी क्या है और एफ आई क्या है तो एफ आई येल्ड स्ट्रेस होती है मटेरियल की ए जी होता है ग्रॉस सेक्शन एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होता है फोर्स के परपेंडिकुलर और गामा एम आपका होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर तो हम देख लेते हैं टी डी जी क्या होती है ए जी एफ आई अपॉन गामा एमओ अब मैंने आपको बताया ए जी ग्रॉस सेक्शनल एरिया है मतलब जो फोर्स के जहाँ पे फोर्स लग रहा है उस उस सेक्शन पे आपका ये एरिया होगा मतलब लेंथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस तो लेंथ या विथ बाय थिकनेस होती है आपकी क्रॉस सेक्शन मतलब ए जी और एफ आई आपका होता है आपको गिवन ही है स्टील की ग्रेड एफ ई फोर वन जीरो तो इसमें जो लीस्ट है मतलब एफ ई फोर वन जीरो ये तो आपकी एफ़ यू हो गई अल्टीमेट स्ट्रेस और टू फाइव जीरो हो गई आपकी एफ आई एफ आई टू फाइव जीरो मेगा पास्कल अगर आपको फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप ध्यान रखें हमेशा कि एफ आई छोटा होता है एफ यू से एफ यू इज़ बिगर तो एफ आई होगी आपकी टू फिफ्टी मेगा पास्कल तो ये होगी वन थर्टी इंटू ट्व मल्टीप्लाई टू फिफ्टी अपॉन गामा एमो गामा एमओ इस पार्शियल सेफ्टी फैक्टर तो ये भी आपको पेज नंबर आपको मैं बता देता हूँ पेज नंबर थर्टी पे इसकी भी वैल्यू गिवन है ये टेबल होगी आपकी फ़ाइव यहाँ पे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर सारे मटेरियल्स के गिवन होती है तो थर्टी आ, गामा एम गिवन है वन पॉइंट वन जीरो गामा एम बी वन पॉइंट टू फाइव गामा एम एल वन पॉइंट टू फाइव तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पे गिवन है तो अब हम करते हैं आ, गामा में आपने वैल्यू रख दी तो आप टी निकाल लेंगे थ्री फिफ्टी अब अगली स्टेप है हमारी रबचर स्ट्रेंथ निकालना पहली हमने निकाल ली यील्ड स्ट्रेंथ के अंदर अब हम निकालेंगे रबचर स्ट्रेंथ तो रबचर स्ट्रेंथ का मेरा वही पेज नंबर थर्टी टू पर गिवन आपका स्टील कोड आपको लेके ही रखना है तो स्टील कोड पेज वही पेज नंबर थर्टी टू पर इसके जस्ट नीचे गिवन आपको डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रबचर ऑफ क्रिटिकल सेक्शन तो ये आपको फार्मूला गिवन है टी का पॉइंट नाइन एन एफ यू अपॉन गामा एम एल गामा एम एल इज पार्शियल सेफ्टी फैक्टर अभी मैंने बताया आपको पेज नंबर थर्टी पर एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेस और एन आपका होता है नेट इफेक्टिव एरिया ऑफ मेम्बर और ये आपको अगले पेज नंबर पे एन का भी फॉर्मूला मिल जाएगा आपको एन क्या होता है नेट इफेक्टिव एरिया जो आपको निकलेगा बी माइनस एन डी नॉट प्लस समेन एफ ई एस आई स्क्वायर अपॉन फोर जी आई अपॉन मल्टीप्लाई बाई टी और इस टर्म को हमको इसमें नेगलेक्ट करना है इस टर्म को क्यों नेगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे सिंपल बोल्टिंग गिवन है अगर स्टैगर्ड होती स्टैगर्ड पिच तो हम इसको यूज़ करते कुछ इस तरह की तो इस टर्म को हम जीरो मान लेंगे बाकी बची बी माइनस एन डी नॉट इंटू टी तो हम देख लेते हैं कि टी डी एन आया पॉइंट नाइन एन एफ या पॉन्ट गा एम एल जहाँ पे एन क्या है बी माइनस एन डी नॉट इन्टू टी और बी मैंने आपको बताया विथ्थ तो वर्थ क्या है आपकी गिवन आपको विथ्थ वन थर्टी एम एम अब आप देखो माइनस एन डी नॉट एन क्या है तो नंबर ऑफ़ बोल्ट इन क्रिटिकल सेक्शन एन होता है नंबर ऑफ बोल्ट इन क्रिटिकल सेक्शन यहाँ पे गिवन टू है अब कैसे है? देख लेते हैं तो अब आप देखें अगर इसका फिगर देखें तो आप देखेंगे कि आ, अगर हम मैं इस प्लेट्स को इन दोनों को ऐसे खींचूँ फोर्स लगाऊँ तो इसमें क्या होगा कि दिस टू बोल्ट आर मोर लाइकली टू फेल यहाँ तो ये बोल्ट दो बोल्ट फेल हो सकते हैं या फिर ये दोनों बोल्ट फ़ेल हो सकते हैं मतलब इस पूरे जॉइंट को फेल होने के लिए दो बोल्ट को भी फेल हो जाए तो ये पूरा आपका जॉइंट फेल हो जाएगा मतलब कि अगर इस तरफ से भी ये दोनों बोल्ट टूट सकते हैं और इस तरफ से भी मतलब दोनों आपको सेक्शन ये दोनों क्रिटिकल सेक्शन हैं इनमें नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ बोल्ट कितने तो टू हैं है ना तो इसमें तो आपको इजीली निकल जाएगा तो नंबर ऑफ बोल्ट इन क्रिटिकल सेक्शन कितने हुए आपको टू मतलब जो आप सेक्शन आपका पहले टूटेगा मतलब तो दोनों तरफ से देखो तो टू ही आएगा तो एन इज टू हो जाएगा बस आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है इसमें अब आप देखें कि वन थर्टी विट्स माइनस टू इंटू एटीन डी ओ क्या है तो आपका बोल्ट होल का डाया मीटर मतलब डी ओ कैसे निकलेगा आप देख लेते हैं तो डी ओ होता है आपका डी प्लस टू करने पर मतलब डी क्या है डाया ऑफ बोल्ट तो डी आपको डाय तो आपको क्वेश्चन में गिवन है सिक्सटीन एम एम तो होल का डाय कितना होगा तो आपको उसको टू ऐड कर देंगे तो आपका होल डायमीटर आ जाएगा डी ओ एटीन एम एम तो आपको एटीन यहाँ रख देंगे मल्टीप्लाई एटीन मल्टीप्लाई बात थिकनेस तो आपको मालूम है ट्वेल्व तो यह आपका एन आ जाएगा डबल वन टू एट तो यह आपका n एन आ गया अब आप, आप देख लेते हैं फार्मूले में वैल्यूज डाल देंगे सर ये आपका फॉर्मूला क्या है तो टी डी एन है पॉइंट नाइन ए एन एफ अपॉन गामा एम एल तो टी डी एन आपने पॉइंट नाइन ए एन वन वन टू एट एम एम स्क्वायर मल्टीप्लाई फोर वन जीरो जो आपका एफ यू है अपॉन वन पॉइंट टू फाइव गामा एम एल गामा एम एल की वैल्यू मैं ही चुका हूँ आपको पेज नंबर थर्टी पे गिवन है तो टी डी एन आपका आएगा थ्री थर्टी टू पॉइंट नाइन एट किलो तो इसको भी आप मार्क कर लो पहली वैल्यू आपने निकाल ली यील्डिंग स्ट्रेंथ में निकाल ली आपने रफचर स्ट्रेंथ के अंदर भी निकाल ली प्लेट की अब आपको निकालनी है ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ के अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट भी है तो देख लेते हैं हम थर्ड आती है आपकी ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ जो कि है पेज नंबर थर्टी फोर पे गिवन अब आप देखें कि थर्टी थ्री सॉरी थर्टी थ्री पे आप देखें यहाँ पे ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ डी टू ब्लॉक शेयर का ये फार्मूला दो गिवन है आपको टी डी बी ए वी जी एफ आई अपन अपॉन रूट थ्री गामा एम ओ प्लस पॉइंट नाइन एटी एन एफ यू अपॉन गामा एम एल और एक और है टी डी बी पॉइंट नाइन ए एन एफ यू ए वी एन एफ यू अपॉन गा रूट सी गामा एम एल प्लस ए टी जी एफ आई अपॉन गामा एम ओ तो इसमें आपको कुछ नई टर्म्स दिखी देगी ए वी जी ए टी जी का वगैरह तो इसमें आपको ये टर्म्स दिख रही होंगी ए वी जी हो गई जिसमें ए वी एन हो गई ए टी जी ए टी एन क्या होती है मैं तो आपको बता देता हूँ तो आप देखें यहाँ पर कि ये आपका फिगर है तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि ए वी जी क्या होता है आपका ग्रॉस ग्रॉस एरिया इन शीयर प्लेन मतलब कि यहाँ पे देखा हुआ देखो ए होता है आपका मिनिमम ग्रॉस एरिया एंड नेट एरिया इन शीयर बोल्ड लाइन पैरल टू एक्सटर्नल फोर्स और ए वही सेम चीज ग्रॉस एरिया और नेट एरिया और ये होता है ए और ए क्या होते हैं तो टी टेंशन के लिए और जी और एन ग्रॉस और नेट के लिए वैसे ही यहाँ पे वी होता है आपके शीयर के लिए तो देख लेते हैं मिनिमम ग्रॉस एंड नेट एरिया इन टेंशन तो ग्रॉस एरिया और नेट एरिया इन टेंशन फ्रॉम बोल्ट होल ऑफ द टो एंगल एंड बोल्ट लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ फोर्स तो क्या होते हैं कि आपका ये अगर आप यहाँ नीचे भी देखें तो यह डायग्राम आपको गिवन है तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे ऐसे ही बना दिया यहाँ पे देखो कि आपकी ये जो ये ऐसे प्लेट अगर यहाँ से फोर्स ऐसा लग रहा है तो क्या होगा कि ये जो प्लेन है आपका ये वाला और ये तो ये वाला तो आपका होगा शीयर प्लेन कोई उसमें गिवन था ना ए वी जी और ए जी ए वी एन क्या था तो फोर्स के पैरेलल बोल्ड लाइन में ग्रॉस एरिया तो ये हो गया आपका ये आपका प्लेन फेल होगा शेयर के अंदर ये दो और ये जो होगा आपका होगा टेंशन में फेल तो ये अगर आप इसमें भी देखें तो आपको गिवन है कि अगर आप इस प्लेट्स को ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये जो प्लेन होगा ये ब्रेक होगा आपका शेयर के अंदर ये दो प्लेन वन टू और फोर थ्री वन टू और फोर थ्री आपके शेयर में ब्रेक होंगे और टू थ्री जो होगा आपका टेंशन में ब्रेक होगा टू थ्री आपका टेंशन में ब्रेक होगा तो इसमें आपको तीन प्लेन मिलेंगे एक तो दो के शेयर के मिलेंगे और एक टेंशन का मिलेगा तो ये शेयर और ये टेंशन होगा तो हमको क्या करना है एरिया इन शेयर अलॉन्ग बोल्ट लाइन निकालना है मतलब ए वी जी ए वी एन ए टी जी और ए टी एन निकालना है तो ये चार वैल्यूज क्या होती हैं कैसे होती हैं हम इजीली देख लेते हैं तो ए वी जी निकालते हैं हम सबसे पहले जी से तो आपको वैसे ही मालूम चल रहा है ग्रॉस ग्रॉस का मतलब कि आपको इसमें कोई भी बोल्ट होल माइनस नहीं करना है नेट अगर आ जाए तो नेट में आपको बोल्ट होल अगर आपको एनकाउंटर बीच में हो रहा है कोई बोल्ट होल तो वो माइनस करना होगा तो ए वी मतलब वी मतलब शेयर में और जी मतलब ग्रॉस आपको पहले ही बताया ये शेयर प्लेन कौन कौन से आपकी ये दो प्लेन है शेयर के तो इस एक में देख लेता हूँ मैं तो एक में यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे लेंथ निकालनी है मुझे चाहिए ग्रॉस एरिया तो मुझे सेक्शनल एरिया चाहिए ना मुझे चाहिए सेक्शनल एरिया अब आप देखें ऐसा कुछ ये होगा तो यहाँ पे मुझे ये सेक्शनल एरिया चाहिए होगा तो सेक्शनल एरिया के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मालूम होगी तो ये क्या होता है एच एंड डिस्टेंस आपको मालूम होगा फोर्स के एच और बोल्ट फर्स्ट बोल्ट होल की जो डिस्टेंस होती है पैरेलल टू फोर्स तो वो होती है एच एंड डिस्टेंस और बोल्ट से बोल्ट की डिस्टेंस होती है पिच पैरेलल टू फोर्स तो ये ई e हो गया और ये पी हो गया तो ई प्लस पी तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस होगी ई प्लस पी यहाँ से यहाँ तक ई प्लस पी लेंथ हो गई अब इसको थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई बाय टी आप से ग्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल रहे हैं ना तो इसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ई प्लस पी मल्टीप्लाई बाई टी और अब ये दो प्लेन है शेयर के यहाँ पे दो प्लेन आ रहे हैं तो टू मल्टीप्लाई कर दिया तो टू इन आपका एज डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन है एंड डिस्टेंस सॉरी थर्टी फाइव गिवन है ये होगी एंड डिस्टेंस आपकी थर्टी फाइव और पिच भी गिवन है सिक्सटी तो ई तो आपको गिवन है थर्टी फाइव और पिच भी गिवन है आपको सिक्सटी और आपको गिवन है गेज डिस्टेंस गेज डिस्टेंस क्या होती है जस्ट जैसे पिच होती है ना बोल्ट से बोल्ट की डिस्टेंस वैसे ही बोल्ट से बोल्ट की डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू फोर्स होती है मतलब ये आपकी गेज होगी तो गेज भी आपकी सिक्सटी गेवन है तो ये तीनों वैल्यूज़ में लिख देता हूँ अब आपको कैलकुलेट करना आपने पहला निकाल लिया ग्रॉस में निकाल लिया शेयर में अब आप निकालेंगे नेट तो शेयर में नेट एरिया तो निकालेंगे सेम प्रोसीजर है वही ई प्लस पी किया उसके बाद आपको क्या है देखना कि नेट है ये तो नेट में मैंने आपको बता रखा है कि बोल्ट होल माइनस करना है तो कितने बोल्ट होल आपके आ रहे हैं इसमें तो एक पूरा बोल्ट आ रहा है और एक आधा बोल्ट आएगा क्योंकि देखो यहाँ इसकी बोल्ट के हाफ डिस्टेंस तक ही जाना ना वो सेंटर तक तो हाफ बोल्ट कंसिडर होगा अब आप इसमें क्या आएगी ई प्लस पी किया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस आ गई इसके सेंटर तक उसके बाद आपको एक पूरा बोल्ट और एक आधा बोल्ट माइनस करना है क्योंकि आप नेट निकाल रहे हो तो माइनस वन पॉइंट फाइव डी ओ करना है डायमीटर ऑफ होल ना कि बोल्ट का मल्टीप्लाई बाय टी कर दो वही ग्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने के लिए और टू से मल्टीप्लाई क्यों किया क्योंकि टू प्लेन है हमारे पास तो ये आ जाएगा टू इंटू एंड डिस्टेंस थर्टी फाइव प्लस पिच सिक्सटी और माइनस वन पॉइंट फाइव इंटू एटीन मल्टीप्लाई बाई ट वन सिक्सटी टू एम एम स्क्वायर अगला देखो आपकी एरिया एंड टेंशन निकालेंगे अभी देखो मैंने आपको बताया शेयर प्लेन आपका कौन सा है ये वाला आपका शेयर प्लेन हो गया और ये शेयर प्लेन है और ये टेंशन में ब्रेक होगा तो टेंशन में कौन सा ये वाला ब्रेक होगा तो ए टी जी क्या है टी मतलब टेंशन मनले, जी मतलब ग्रॉस तो ग्रॉस मतलब बोल्ट होल आपको माइनस नहीं करना है तो ग्रॉस क्या होगा सिंपली सिंपली ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस तो ये लेंथ कितनी होगी जी होगी जी के बराबर होगी यही आपकी है ना जी होती है आप गेज डिस्टेंस तो गेज डिस्टेंस भी आप क्वेश्चन में गिवन है सिक्सटी तो गेज सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस क्या है तो ट्वेल्व तो सिक्सटी इंटू ट्वेल्व सेवन ट्वेंटी एम एम स्क्वायर अब वैसे ही एटीएन होगी आपकी जैसे ए वी जी ए वी एन थी एटी जी थी अब वैसे ही ग्रॉस में निकाला आप नेट में निकालो तो नेट में कुछ भी नहीं करना यही सेम वैल्यू रहेगी उसमें आपको सिर्फ डिस एक बोल्ट और माइनस करना होगा क्यों माइनस कर रहे हो क्योंकि नेट है ये अब नेट में आप देखो एक बोल्ट माइनस क्यों क्या मैंने क्योंकि देखो जी आप इसके सेंटर से इसके सेंटर तक चलोगे तो आपका हाफ बोल्ट यहाँ कंसिडर होगा और हाफ यहाँ होगा क्योंकि ये प्लेन में देखो इस सेंटर से इस सेंटर तक आ रहे हैं तो हाफ़ यहाँ कंसिडर हुआ बोल्ट और हाफ यहाँ इनकाउंटर होगा तो हाफ हाफ मिलकर एक बन जाएगा जी माइनस डी हो मल्टीप्लाई बाय टी तो सिक्सटी माइनस एटीन मल्टीप्लाई बाय ट्वेल्व तो फाइव जीरो फोर एम एम स्क्वायर अब आपको कुछ भी नहीं वैल्यूज़ है वैल्यूज डालनी तो वैल्यूज आपकी फॉर्मो के अंदर गिवन है मैंने फार्मूला भी लिख दिया है एवीजी वी एफ आई प्लस एव ऑन रूट थी गामा एमओ प्लस पॉइंट नाइन एटी एन एफ यू गामा एम एल ए की क्या वैल्यू है तो एवीजी जी टू टू एट जीरो मल्टीप्लाई एफ वाई टू फिफ्टी मालूम है अपन रूट थ्री गामा एमओ ओ वन पॉइंट वन जीरो पेज नंबर थर्टी पर पॉइंट नाइन एटी एन की वैल्यू एटी एन ये रहा आपका फाइव जीरो फोर मल्टीप्लाई फोर वन जीरो एफ यू अपॉन वन पॉइंटी फाइव गामा एम एल तो याद आएगा आपका फोर फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन फाइव किलोमीटर ये पहली वैल्यू आई आप सेकंड वैल्यू निकालेंगे सेकंड वैल्यू आपकी गिवन है टी पी पॉइंट नाइन ए वी एन एफ यू अपन रूट थ्री गामा एम एल प्लस एटी जी एफ आई अपन गामा एम ओ तो पॉइंट नाइन ए वी एन ए वी एन क्या है आपका आई वी एन आपने कैलकुलेट किया शेयर में नेट एरिया तो यह वन सिक्स थ्री टू तो वन सिक्स थ्री टू मल्टीप्लाई फोर वन जीरो एफ यू अपन रूट थ्री मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव प्लस जी क्या है तो टेंशन में एरिया क्या था जी ग्रॉस एरिया तो ये सेवन ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी मल्टीप्लाई टू फिफ्टी अपॉन वन पॉइंट वन जीरो तो टी डी बी आपका आएगा फोर फोर्टी वन पॉइंट सेवन एट किलोमीटर टेन अब इन दोनों टी डी में आपको देखना है कि लीस्ट कौन सी है तो फोर फोर्टी सेवन पॉइंट नाइन फाइव या फिर फोर फोर्टी वन पॉइंट सेवन एट तो लीस्ट आपको दिख रही है ये वाली तो आपको ये वाली कंसिडर नहीं करनी है ये वाली आपको नहीं कंसिडर करनी है तो ये आपकी टी डी बी वैल्यू हो गई तो ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ आपकी वैल्यू होगी टी डी बी फोर फोर्टी वन पॉइंट सेवन एट किलोमीटर टेन तो अब आपको क्या करना है तीन वैल्यूज आपने निकाल ली कैलकुलेट कर ली एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये शेयर प्लेन में ब्रेक होगा ये दो प्लेन शेयर में ब्रेक होंगे एक टेंशन में ब्रेक होगा तो ये कुछ अगर मैं ये अलग हो जाएंगे ना तो ये कुछ इस तरह से ये प्लेट इस तरह से निकल जाएगी मैं आपको शो कर देता हूँ कुछ इस तरह से ये प्लेट ऐसे रिमूव हो जाएगी और ये हिस्सा जो रहेगा ना ये यहाँ ऊपर ही रह जाएगा इस प्लेट के साथ रह जाएगा और ये प्लेन ऐसे ब्रेक हो जाएगी इसलिए मैंने आपको बताया कि ये प्लेन आपका शेयर में ब्रेक हो गए दो ये टेंशन में तो आपका ब्लॉक शेयर यह आ जाएगी अब आपको टेंजाइल स्टैंड निकालने टेंज स्टैंड में मैंने आपको बताई दिया इन तीनों की लिस्ट होती है तो यील्डिंग स्ट्रेंथ रप्चर और ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ हम तीनों निकाल दिए टी डी आपकी थ्री रप्चर स्ट्रेंथ आ रही है आपकी थ्री थर्टी टू पॉइंट नाइन एट और आपकी टी डी बी आ रही है आपकी फोर फोर्टी वन पॉइंट सेवन एट तो इन तीनों में लिस्ट देखो तो मैं आपकी आ रही है टी डी एन जो कि है आपकी ये वाली वैल्यू टी डी एन आपकी सबसे लीस्ट है मतलब ये रप्चर स्ट्रेंथ आपकी टेनजायल स्ट्रेंथ हो जाएगी जो रप्चर स्ट्रेंथ में आप वैल्यू निकालेंगे वही आपकी होगी टेनजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट तो ये था आज का न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ आया होगा और नहीं भी समझ आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए शुक्रिया अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग शेयर लव थैंक यू